हेलो, नमस्कार दोस्तों। 17 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के आर्टिकल जो कुछ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज आर्टिकल आया हुआ है, ऑयल प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक जो दो चार पॉइंट है इस आर्टिकल में, पहले वो डिस्कस करेंगे, इसके बाद में जो आगे का आर्टिकल वो देखेंगे। देखो, आर्टिकल में बताया गया कि जो ऑयल प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो अभी लगातार बढ़ रही है फेब्रुवरी के बाद से, और एक्चुअली उछाल इस तरीके से आ रहा है कि जो पर बैरल जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेट $10 से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बैरल में अप्रोक्सीमेट 160 के लीटर के आसपास होता है, तो उतना सब हमें याद नहीं रखना है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ऑयल प्राइस वो बढ़ रही है, उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्यों ऑयल प्राइस बढ़ती जा रही हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई कारण क्या है, कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ऑयल प्राइस वो महंगी बढ़ती जा रही है। देखो, इसका कारण एक तो है कि तो वो है ओपेक, जो कि आपको पता है एक ऑयल प्रोडक्शन की कंपनी का कार्टल बनाया हुआ है, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया प्रीलिम्स के वीडियो में कि है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट को एक तरीके से रेगुलेट करता है कि भाई कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्ट वगैरह करना है। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज ने मिलकर, इसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक ये कंट्रीज हैं, ये मेली मिली हुई है, मतलब इसमें वो कंट्रीज शामिल हैं जिन्होंने कि भाई जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो करती हैं। तो मेली वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि इसको रेगुलेट कर दिया है, मतलब ऑयल प्राइस को कैसे रेगुलेट किया है, इन्होंने रेगुलेट इस तरीके से किया है कि प्रोडक्शन पे लिमिट लगा दी है कि भाई हम प्रोडक्शन कम करेंगे, तो वही डिमांड एंड सप्लाई की बात आ जाती है कि डिमांड तो बढ़ रही है और सप्लाई इन्होंने रेगुलेट कर दिया, तो ऑब्वियसली पैसा मतलब उस चीज़ की महंगाई वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए ऑयल प्रोडक्शन वो ऑयल की जो रेट है वो महंगी होती जा रही है। इसके बाद में देखो, इसके कुछ सॉल्यूशंस भी आते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या क्या, अभी उम्मीद भी कुछ लोग ये भी उम्मीद करें कि ऑयल प्राइसें वो फ्यूचर में कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये बताया जा रहा है कि जो नॉन ओपेक जो कंट्रीज़ है ना वो एक्चुअली ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रही है, मतलब वो कंट्रीज़ जो ओपेक का पार्ट नहीं है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदस्य नहीं है, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया क्योंकि वो एक्चुअली अपनी ग्रोथ वो बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए नॉन ओपेक कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तो ऑल ओवर डिमांड को रेगुलेट कर लिया जाएगा, मतलब डिमांड जितनी है उसको फुलफिल कर देंगे। तो आपको पता है कि जब सप्लाई के साथ साथ डिमांड दोनों को रेगुलेट हो जाती है तो महंगाई वगैरह नहीं बढ़ती है, तो एक ये फायदा हो सकता है। इसके बाद में बात की जा रही है कि जो यूएसए का जो सेल गैस की बात थी उसका भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा कि सेल गैस की वजह से ऑयल पर निर्भरता वो कम हो जाएगी, और फिर ओपेक का जो प्राइस रेगुलेशन वाला काम है ये भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे लिए वो आता है कि भाई बात सीधी सी है कि इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला इकोनॉमी पे, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछने वाली है तो हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी के नज़रिए से ही पूछने वाली है। देखो, इफेक्ट इसका सबसे बड़ा ये पड़ेगा, अब आपको पता है कि इंडिया में ऑयल मतलब पेट्रोल है महंगा आने लगा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि गवर्नमेंट के पास तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, अभी तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जितना गवर्नमेंट के पास, जैसे पेट्रोलियम आदि से आप एग्जाम्पल ले लो कि गवर्नमेंट को पेट्रोल वो मिल रहा है मान लो 20 रुपये पर लीटर, और उसके बाद गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और भी कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा के, तो हमारे पास वो बढ़ता है पर 70 के आसपास, तो कहीं कि गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्स को कलेक्ट करती है और फिर उसी के द्वारा गवर्नमेंट जो सेंट्रल सेक्टर में जो स्कीम वगैरह बनाती हैं उनके लिए पैसा देती है। तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कुछ बेचारे कोई जॉब वगैरह करती है कोई पैसा कमाती है, तो गवर्नमेंट को ऐसे टैक्स से ही पैसा है वो मिलता है। तो इससे एक तो जब महंगी हो गई है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये प्राइस को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप सब जानते हो कि जब इलेक्शन आते हैं तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहती कि भाई वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ें, अदरवाइज उनको लॉस हो सकता है। तो मतलब बात ये है कि एक तो देखो इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, जबकि डोमेस्टिक में अगर गवर्नमेंट को प्राइस रेगुलेट रखनी है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा पैसे का गैप आ रहा है वो अपनी पॉकेट से देना होगा, तो इससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगा। अब आप जानते हो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, इससे गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है वो कम चला पाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बुरा प्रभाव पड़ने वाला होता है। क्योंकि हमारा देश है वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मेनली भी ऑयल पे ही डिपेंड है, मतलब हम जितनी भी एनर्जी बनाते हैं मैक्सिमम वो एनर्जी ऑयल के थ्रू ही बनाते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे इस चीज़ का इफेक्ट वो पड़ने वाला है, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही बात यह आती है कि जो डीरेगुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं है। देखो, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ये तो प्रावधान किया था कि जो ऑयल की प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग होंगी, बट अभी भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्शन अपना बढ़ा रही है। टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा रही है, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ टाइम पहले ऑयल की प्राइसेस तो काफ़ी कम हो गई थी, बट फिर भी गवर्नमेंट ने हमें जो पेट्रोल था वो मतलब फिक्स रेट पर दे रखा था, तो इसलिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था। तो गवर्नमेंट अब क्या करिए, इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचेगा। इसके बाद में बात की जा रही है कि भाई इंडिया को जो चाइना के साथ मिलकर और जो आसियान प्रीमियम जिसको आज हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर काम करना चाहिए। आसियान प्रीमियम क्या था? आसियान प्रीमियम ये था कि भाई जो ओपेक कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, ऑयल अगर आसियान कंट्रीज में ऑयल जो भी ऑयल भेज रही हैं
एशिया कॉन्टिनेंट में जिस भी कंट्रीज को ऑयल बेच रही है उसको थोड़ा महंगा बेच रही है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के, थोड़ा प्रीमियम लगा के, कि भाई एशिया के नाम से प्रीमियम लगा दे कि आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एशिया वाली कंट्रीज है उन सबको ही। तो इस तरीके से एशियन प्रीमियम के नाम से स्टेप उठाया गया। तो इसे एशिया की जो कंट्रीज है, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, बाकी और भी कंट्रीज हैं, म्यांमार, इन सबको भी नुकसान है थोड़ा वो हो रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं हमें खत्म करवाना होगा, उन पर प्रेशर बना के, तभी इस चीज़ को हम दूर वो कर सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल में कुछ बेसिक पॉइंट थे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेबरहुड पॉलिसी के बारे में। इस आर्टिकल में बताया गया है कि भाई इंडिया है कि नेबरहुड पॉलिसी है उसमें कुछ सुधार आ रहे हैं, मतलब इंडिया कुछ तरीके के रिफॉर्म लेके आ रहा है और इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं इंडिया ने। काफ़ी क्या चेंजेस किए हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। पहले तुम्हारे पड़ोसी देश है म्यांमार, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे चाइना के साथ देखे जिससे किया गया है नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव, क्योंकि इनके साथ हमारे रिलेशन है वो ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं। देखो चाइना के साथ लास्ट ईयर डोकलाम इश्यू हुआ था, बट इस बार अभी गवर्नमेंट के सामने कुछ, मतलब कुछ ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह के सामने बातें आ रही हैं कि डोकलाम में फिर भी चाइना वहाँ पर कुछ बना रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, बट फिर भी इंडिया ने कोई ऐसा एक्शन वगैरह नहीं लिया। मतलब बात यह है कि इंडिया नहीं चाहता कि फालतू का कोई इश्यू क्रिएट किया जाए, क्योंकि चाइना वो अपनी बाउंड्री के अंदर कुछ क्रिएट कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बार बार एक तरीके से मतलब बोलें, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया डोकलाम वाला क्रिएट इशू है वो फिर से नहीं चाहता है। इसके साथ ही बातें की जा रही है कि देखो दलाई लामा की जो, आपको बताया कि दलाई लामा थे वो अप्रोक्सीमेट आए थे 1959 के आसपास इंडिया आए थे एक्चुअली उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ गई थी उनको, वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी दंगे वगैरह होने लग गए थे, इसलिए वो एक्चुअली भाग के उन्होंने इंडिया में शरण है वो ली थी। तो उसकी वजह से अभी उनकी आने की 60 साल की एनिवर्सरी वो कंप्लीट हो रही थी, मतलब 60 जो एनिवर्सरी थी इस मौके पर एक्चुअली जो दलाई लामा थे उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, वो था थैंक यू इंडिया मूवमेंट। वो इंडिया को धन्यवाद दे रहे थे कि भाई आपने हमें शरण दिया, बहुत अच्छी बात है इसके लिए। तो राइटर का कहना है कि जो थैंक यू इंडिया मूवमेंट चलाया था इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितनी दलाई लामा साहब को उम्मीद थी। तो क्योंकि इंडिया चाहता है कि भाई कहीं ना कोई फालतू का ऐसा इश्यू क्रिएट ना हो जिससे हमारे और चाइना के रिलेशन है वो खराब हो, क्योंकि जो अगर दलाई लामा को किसी भी इवेंट को अगर इंडिया में ज्यादा बढ़ा रहे हैं और उसको अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो मतलब चाइना से भड़क जाएगा क्या, देखो हमारे अगेंस्ट वहाँ पे उस कंट्री में तो ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मतलब इंडिया ने अपना जो स्टैंड था वो काफ़ी चेंज कर लिया अभी। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो कुछ कोर इश्यूज हैं उन पर भी हमें फोकस करना होगा। राइटर कह रहे हैं कौन से कोर इश्यूज हैं, जैसे एक तो का हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका आपको पता है कि इंडिया की सोनिटी का इश्यू है, तो उस चीज़ पे चाइना और इंडिया को दोनों को कहीं ना कहीं सोल्यूशन वो करना चाहिए। इसके बाद में बताती है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, उसमें भी इंडिया को एक तरीके से मान इंडिया को सीट देने के लिए चाइना को कोई ना कोई स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया एनएसजी का मेंबर बनता है तो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उसके रूल रेगुलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और उससे ऑल ओवर वर्ल्ड को फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया आज तक जिससे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की कोई भी मतलब ट्रीटी या कुछ भी बात का उल्लंघन है वो हो रहा है। तो इसलिए इंडिया को भी इसके सदस्य बनना चाहिए और चाइना को थोड़ा लिबरल होना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है कि बाउंड्री और ट्रेड की, कि देखो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड बाउंड्री और ट्रेड का थोड़ा इश्यू है, तो बाउंड्री के ऊपर दोनों कंट्रीज़ को आपस में थोड़ा वो समझौता करके जो भी सोल्यूशन है वो प्रॉपर समाधान निकालना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को मिलकर, तभी इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकल के आएगा। बात की जा रही है ट्रेड की, देखो ट्रेड की बात ऐसी है कि इंडिया भी एक्चुअली ट्रेड में माइनस चल रहा है, मतलब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है चाइना से और चाइना इंडिया से इंपोर्ट वो कम करता है। तो इसलिए राइटर का कहना है कि देखो चाइना को भी, चाइना ने क्या कर रखा है, इंडिया के कुछ प्रोडक्ट पर लिमिट वगैरह लगा रखी कि भाई हम ये प्रोडक्ट इंडिया से नहीं खरीदेंगे, तो वो लिमिट चाइना को हटानी चाहिए और जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के पक्ष वाला उसको कहीं ना कहीं इक्वल करना चाहिए ताकि इंडिया को भी कोई इशू वगैरह ना हो। तो इन कुछ मुद्दों पे चाइना को भी स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं सामने आगे बढ़ रहा है तो चाइना को भी कुछ अच्छे स्टेप उठाने चाहिए। अब बात की जा रही है नेपाल की, नेपाल की देखो अभी आपको पता है कि वहाँ पे कुछ टाइम पहले हमारे रिलेशन ज़्यादा ही बिगड़ गए थे जब से वहाँ पे इकोनॉमिक एक ब्लॉकेट लगाने की बात सामने आई थी। खैर इंडिया ने ऑफिशियली कभी स्वीकार नहीं किया कि हमने इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया था, तो वो बात यहाँ पे की जा रही है कि उस टाइम पे जो इशू ये था कि जो मध्यसी लोग थे उनको वहाँ के संविधान में राइट नहीं दिए गए थे, तो इसकी वजह से थोड़ा मामला गंभीर हो गया था तो और इकोनॉमिक ब्लॉकेट वगैरह लग गए थे। अब देखो बाद में राइटर का ऐसा कहना है कि अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं ओली साहब सेकंड टाइम पे, वो इंडिया विजिट पे आए थे और अभी हमने इसका एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही। तो राइटर का कहना है कि जो ओली साहब की विजिट है वो काफ़ी अच्छी रही है और लगातार देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया और नेपाल की रिलेशन है वो इम्प्रूव होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया और नेपाल दोनों एक साथ मिलकर आ रहे हैं और जो भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं ना उनको एक्चुअली कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की बात की जा रही है, मतलब रिलेशन को एक नए सिरे से स्टार्ट करने की बात की जा रही है ताकि अगर नए सिरे से रिलेशन साथ चलेंगे तो उसका फायदा कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को ही होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप बताया जा रहा है।
बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखो, पाकिस्तान का इश्यू यह है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया है वो भी बातचीत लगातार जारी रखेगी है, और अभी थोड़ी शांति है वो बॉर्डर पे कहीं ना कहीं थोड़ी मिल रही है। इसके साथ ही अभी कुछ डिप्लोमेटिक क्राइसिस है वो उत्पन्न हो गए थे, बट उनको भी कहीं ना कहीं आपस में बातचीत के थ्रू समाधान या उनको सॉल्व हो कर लिया गया है। और जो NSA लेवल की जो मीटिंग होती है 10 to 10, उसके द्वारा फोकस किया जा रहा है कि भाई जो भी डिफरेंसेज हैं उनको दूर किया जाए और जम्मू एंड कश्मीर में भी शांति स्टेबल है वो की जा सके। मतलब सीधी सी बात ही है, इंडिया ने भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नेबरहुड वाले में उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, और इंडिया भी थोड़ा सॉफ्ट और लिबरल होता जा रहा है। अब बात आती है मालदीव की। मालदीव का आपको पता है कि वहाँ पे जो करंट प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यामीन, वो एक्चुअली थोड़े इंडिया एंटी इंडिया है, मतलब वो एक्चुअली थोड़ा चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा इशू रहा था इंडिया के साथ कि वो इंडिया को थोड़ा सपोर्ट वगैरह नहीं करें। उन्होंने मिलन एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इस बार। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिलन एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज है, उसके बारे में थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो मालदीप का फिर एक बात है कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा स्टेप ये उठाया कि मालदीप के अंदर जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने एक्चुअली इंडिया को इन्वाइट किया कि भाई आप यहाँ पे आके हस्तक्षेप कीजिए और यहाँ पे मिलिट्री वगैरह भेजिए, यहाँ पे एक्चुअली हालत वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं। बट आपको पता है कि इंडिया ने वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने बोला कि भाई देखो जब तक वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो हमें नहीं बोल रही और हम वहाँ पे जाके फालतू में हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। मतलब इंडिया ने अपनी जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं चेंज किया, इंडिया ने अपने आप को डिक्टेटरशिप के रूप में ऐसे नहीं किया है, इंडिया थोड़ा लिबरल होता जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं पड़ोसी देश है का गलती हो जाती है। ऐसी सारी चीजों को देखते हुए इंडिया लगातार रिलेशन इंप्रूव करने की तरफ अग्रसर है। अब बाद में बात आती है लास्ट में कंक्लूजन में। कंक्लूजन में कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि देखो इंडिया को जो सार्क है उसको फिर से रिवाइव करना होगा, क्योंकि सार्क का वो कुछ टाइम से ठप पड़ा है क्योंकि इंडिया ने उसको बायकॉट कर दिया था। क्यों कर दिया था? आपको पता है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा था जिससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हो रहा था और इंडिया के काफ़ी इश्यूज़ थे। तो इंडिया ने बोला था कि देखो बात ऐसी है कि आप एक साइड तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, पीछे से आप छुरा घोंप रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम सार्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और ना ही मीटिंग वगैरह जो होते हैं एनुअल उनमें इंडिया ने पार्टिसिपेट वगैरह किया था। तो अब राइटर का कहना है कि देखो उम्मीद ये की जा रही है कि अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं अभी शांति हो रही है तो हमें सार्क को फिर से रिवाइव करना चाहिए, और श्रीलंका भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश, सारी कंट्रीज ये कह रहे हैं कि ठीक है हमें सार्क को फिर से रिवाइव करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो भी डिफरेंसेस हैं जो भी इशूज़ हैं उन पर बातचीत करके समाधान किया जा सके। तो राइटर का कहना है कि सार्क को फिर से रिवाइव करने की हमें जरूरत है। इसके साथ ही में जो गुजराल डॉक्ट्रिन है उस पर फोकस करना चाहिए। देखो गुजराल डॉक्ट्रिन में ये कॉन्सेप्ट है कि इंडिया को सभी कंट्रीज़ को देने की सोचनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ उनसे उम्मीद करे कि भाई वो कंट्रीज हमें कुछ देंगी। इंडिया को हमेशा थोड़ा एक तरह से बोलना कि दानदाता के रूप में रहना चाहिए। इंडिया को अगर इंडिया चाइना को या इंडिया नेपाल को देख लो आप, सॉरी इंडिया अगर नेपाल को कुछ भी हेल्प या कुछ भी एड वगैरह प्रोवाइड करा है तो इंडिया को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बदले में उसे क्या मिलेगा, क्योंकि देखो वो छोटी कंट्रीज का मतलब यह कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी छोटी है और वो एक्चुअली इतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकती। तो इंडिया को वहाँ से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इंडिया को अपने पड़ोसी होते हैं होने के नाते कुछ फर्ज होते हैं तो उनको भी यहाँ पर निभाना चाहिए, और गुजराल डॉक्ट्रिन में फोकस है वो करना चाहिए। इसके बाद में बात यह आती है कि इंडिया को अपनी गुडविल है वो क्रिएट करनी होगी, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको एक्चुअली काफ़ी इश्यूज है और भी कंट्रीज़ में से, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी उसका इश्यू आ रहा है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि चाइना में बेल जो डेब्ट ट्रैप है मतलब जो कर्ज का जाल है उसमें फंसा ले। तो इसलिए बाकी कंट्रीज भी इसमें थोड़ा इश्यूज है, तो इंडिया को इस चीज़ में थोड़ा क्या करनी ओपनली आना चाहिए और चाइना के साथ मिलकर ऐसे मतलब इस चीज़ पूरी क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि भाई चाइना है वो एक तरीके से मतलब अपने आप को कॉलोनी के टाइम की तरह शो नहीं करना चाह रहा है कि वो बाकी और कंट्रीज़ के थ्रू मतलब कॉलोनी वगैरह बना लेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, सब कुछ क्लियर रखेगा। इंडिया सामने आएगा तो इंडिया की थोड़ी गुडविल बढ़ेगी कि हाँ भाई इंडिया भी एक तरीके से नेता बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मेन बात एडिटर का ऑलरेडी ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए जो नेबरहुड पॉलिसी की बात की जा रही है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और इस बार की फॉरेन पॉलिसी नेबरहुड पॉलिसी में गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं जिससे हमें काफ़ी कुछ फायदा होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है माइग्रेशन के बारे में। तो देखो माइग्रेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि जो लोग हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह प्रवास होना होता है माइग्रेशन। अब देखो माइग्रेशन मैं इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेशन होना, या फिर एक कंट्री में ही एक एरिया से दूसरी जगह में, जैसे कि दिल्ली से हरियाणा में माइग्रेशन होना, फिर दिल्ली से तमिलनाडु या तमिलनाडु से दिल्ली की तरफ गुजरात की तरफ, मतलब एक देश के अंदर अगर इंटरनल जो माइग्रेशन होता है उसकी समस्या आजकल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। तो राइटर इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि भाई देखो इंटरनल जो माइग्रेशन है ना हमारे देश में वो बढ़ क्यों रहा है। इंटरनल माइग्रेशन बढ़ने के काफी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे एक तो ये होते हैं कि लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिलते हैं तो लोग दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। इसके बाद में ये क्या होता है कि बार शादी हो जाती है तो उसके चक्कर में लोगों को माइग्रेट होना होता है। इसके अलावा कई बार वहाँ पे कुछ भूकंप वगैरह आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसा रीजंस भी हो जाते हैं जैसे कि वहाँ पे कोई डैम वगैरह बनने हो तो भी लोग माइग्रेट वगैरह हो जाते हैं। तो राइटर का कहना है कि ये तो कुछ कॉमन रीजंस हैं, बट एक आजकल जो सबसे अचंभे वाला रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं।
नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ने वाला है। मतलब लोग जैसे कि ए प्लेस है, यहाँ से लोग बी प्लेस पर माइग्रेट हो रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि क्लाइमेट चेंज जो ए क्लाइमेट चेंज वो ए प्लेस भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज वो हर जगह हो रहा है, बी प्लेस पर भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट वहाँ पर थोड़ा धीरे हो रहा है और वहाँ पर दूसरे तरीके से हो रहा है। तो गवर्नमेंट को क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए एक्चुअली जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इसके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि लोगों को क्लाइमेट चेंज का इतना इफेक्ट है वो ना हो सके। क्योंकि देखो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, वो एक तो हो रहा है सूखे की वजह से कि आप इंडिया में राजस्थान देख लीजिए या फिर बुंदेलखंड का रीजन देख लीजिए, यूपी में और भी बहुत से रीजन है, महाराष्ट्र में, विदर्भ में, उस वाले एरिया में काफ़ी सूखा पड़ता है और उसकी वजह से होता क्या है कि लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी जगह में, मतलब लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं ताकि वहाँ उनको जॉब वगैरह मिल सके। तो राइटर का कहना है कि जो सूखे की वजह से या फिर बाढ़ वगैरह की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये जो लोग माइग्रेट करते हैं फिर क्या करते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल लो कि बुंदेलखंड का रीजन है, वहाँ से लोग माइग्रेट होकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं कि यहाँ मिलेगा, चलो दिल्ली चलते हैं, नोएडा वगैरह, वहाँ पे अच्छी जॉब वगैरह मिलेगी, हमारा पैसा वगैरह कमा लेंगे। अब वो लोग दिल्ली में आएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दिल्ली के दिल्ली एक सिटी है, कैपिटल है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक तरीके से जो पॉपुलेशन का प्रेशर वो बढ़ने लग जाएगा। अब सब लोग ही अगर दिल्ली की तरफ माइग्रेट होना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन की दिक्कत भी बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक या फिर आप जो इकोलॉजी के रिसोर्सेज हैं उन पे ऊपर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो एक बात ये है, इसके साथ ही दूसरा रीजन ये आ जाएगा कि जैसे ये दिल्ली है एग्जाम्पल, अब लोग बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली तो ऑलरेडी अंदर पूरी साठस भरी हुई पड़ी है, अब जो लोग आएंगे वो अंदर तो ज़्यादा महंगी जगह पर रह नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, वो आसपास का जो एरिया है दिल्ली के यहाँ पे बसना शुरू कर देंगे और यहाँ पे आपको पता है जो बेसिक फैसिलिटी है वो लोगों को नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर की जो फैसिलिटी और बाहर के एरिया में फैसिलिटी में थोड़ा फर्क होगा। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो उनको जॉब वगैरह प्रॉपर ढंग से नहीं मिलेगा, बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, तो इस चक्कर में लोग क्या यहाँ पे चोरी चकारी करना शुरू कर देंगे या फिर हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और असामाजिक गतिविधियाँ वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी, तो इसकी वजह से हमारे जो सिटीज़ हैं उनका माहौल भी खराब हो जाएगा और ऑल ओवर हमें बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी बात राइटर का ये कहना है कि देखो एक रीजन ये भी है कि ऐसा है नहीं कि जो मतलब क्लाइमेट चेंज है उसका इफेक्ट केवल आप ये नहीं कह सकते कि बुंदेलखंड पर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, तो एग्जांपल से बता रहा हूं आपको कि दिल्ली पे भी तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है ना, यहाँ पे भी काफी ज्यादा गर्मियां होती हैं, सर्दियों में भी सर्दी नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज ही है। तो ऑल ओवर बात की जा रही है कि अगर यहाँ लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, अगर सारे लोग एक ही जगह माइग्रेट होने लग गए सिटीज की तरफ तो इस माइग्रेशन से काफी नुकसान होने वाला है ना। इससे बेटर तो ये होगा कि गवर्नमेंट को जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है ना उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। देखो एक आप ये भी देख सकते हो कि जैसे चेन्नई हुआ या मुंबई हुआ, वो उन वाले एरिया में भी तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट आ रहा है ना, क्योंकि कोस्टल एरिया है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार डूबता जा रहा है। तो अगर आपको बताया जैसे ये कोई कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के आसपास का अगर एरिया लगातार मतलब पानी में मर्ज होने लग गया तो वहाँ के लोग माइग्रेट होकर किसी दूसरी जगह जाएंगे। अब ऑब्वियसली लोग सिटी की तरफ ही मूव करते हैं फिर कि चलो सिटी में चलेंगे, वहाँ पे हमें थोड़ी बेसिक फैसिलिटी भी मिल जाएंगी और फायदा भी हो जाएगा। बट आपको पता है कि आज के टाइम पे सिटी में रहना काफ़ी महंगा हो गया है, सर्वाइव करना इतना आसान नहीं रहा है और ना ही जॉब की इतनी मतलब इतनी फैसिलिटी मिलती है कि लोगों को ईजिली जॉब वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं असमानता क्रिएट करेगा हमारी सोसाइटी में और बेसिक सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो फिर राइटर का ऐसा कहना है कि देखो अर्बन एरिया में जो प्रॉब्लम्स है ना सिटी शहरी एरिया में, वो समस्या और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोग माइग्रेशन है, लोगों का जो माइग्रेशन है वो रूरल एरिया से अर्बन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा और इसके रोकने का मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को एक तो प्रॉपर अप्रोच बनानी होगी और गवर्नमेंट को ऐसे प्रावधान करने होंगे ताकि रूरल एरिया में लोगों को फैसिलिटी मिल जाए और वो शहरों की तरफ माइग्रेट ना हो। इससे एक तो शहरों की पॉपुलेशन पर लगाम लगेगी और लोगों को शहर गाँव में ही फैसिलिटीज है वो मिलने लग जाएंगी। इसके बाद में गवर्नमेंट को जो भी प्रॉपर डाटा ना वो कलेक्ट करना होगा, गवर्नमेंट को एक सर्वे वगैरह करवा के डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि भाई कितना कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितने लोग हर साल हो रहे हैं, इसके लिए हम कैसे पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं। देखो बात ऐसी है कि जब गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डाटा होगा तभी तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी ना कि हाँ भाई हमें कैसी पॉलिसी बनानी है, कितने लोग माइग्रेट होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए गवर्नमेंट को डाटा कलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद पॉलिसियां वो बनानी चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया कि सिटी के ऊपर भी क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ रहा है, चेन्नई जैसी सिटी है वहाँ पे भी हमने देखा था किस तरीके से बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो मतलब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो सब जगह पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भागने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, हमें इससे निपटना है तो प्रॉपर सोल्यूशन सब उठाने होंगे और ग्लोबल वार्मिंग को भी हमें कहीं ना कहीं कम है वो करना होगा, इसके लिए हमें जो एमिशन है कार्बन एमिशन को उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट है वो करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है UGC के बारे में। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि देखो HRD मिनिस्ट्री है उसने काफ़ी सारे स्टेप उठाए हैं अभी हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए, जैसे काफ़ी इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी वगैरह दी गई है, इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी चलाई हैं जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, इसमें गवर्नमेंट यह करती है
कि स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से फाइनेंशियल एड वो देती है कि भाई कौन सी जो यूनिवर्सिटी या जो कौन सी इंस्टीट्यूट है उसने मतलब अपने में रिफॉर्म वगैरह किए उसके आधार पर उसको फाइनेंशियल एड पैसा वगैरह दिया जाता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी कॉन्सेप्ट चलाया है जिसमें 20 इंस्टीट्यूट हैं हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी प्रॉपर ढंग से ताकि वो प्रॉपर ढंग से एक तरीके से काम करके और अपने आप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बूस्ट करेंगे, अपना सिलेबस खुद डिसाइड करेंगे। इसके साथ मेन मोटो इसका ये रहेगा कि वो जो 20 हायर इंस्टीट्यूट हैं उनको एक्चुअली वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूट है वो बनाना है, क्योंकि अभी हमारे देश का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो टॉप 100 में आ रहे हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम में वो चलाया है। अब देखो राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा जो अभी UGC में ऑटोनॉमी वगैरह की बात की गई है इसकी जगह हटा के मतलब UGC को हटा के और यहाँ पे एक नई बॉडी बनानी चाहिए। कौन सी बॉडी? उसका नाम है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन HERC। तो ये हमें ध्यान रखनी है। अभी गवर्नमेंट ये प्रावधान करने की सोच रही है कि हायर एजुकेशन जो रेगुलेटरी कमीशन है इसका निर्माण किया जाए UGC को हटा के। क्यों भाई? इसकी बात ऐसी है कि देखो UGC है ना काफ़ी पुराना हो गया। UGC बनाया गया था 1956 के एक्ट के तहत, और आपको पता है कि उस टाइम की डिमांड अलग थी एजुकेशन की और आज की डिमांड कुछ अलग हो गई है। तो UGC का जो पूरा तरीका जो सिस्टम है वो सारा पुराने टाइप का है, इसलिए हमें इसको हटा के एक नया सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो आज की हमारी डिमांड है जो फ्यूचर डिमांड है उनको फुलफिल कर सके। तो जो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम होगा इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी अलग होगा, कॉन्सेप्ट भी अलग होगा, काम करने का तरीका भी अलग होगा, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसके थोड़े फीचर्स वगैरह होंगे, वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बात ऐसी है कि हायर एजुकेशन जो रेगुलेटरी कमीशन है HERC, इसका काम मेनली होगा कि इसको एक तो सबसे ज़्यादा एक तो इसको ये होगा कि इसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब इसके पास जो पावर है वो खुद की होगी, स्वायत्त इंस्टीट्यूट होगा। इसके साथ ही इसका दूसरा फायदा होगा कि जो सिलेबस वगैरह की फ्रीडम है वो खुद देगा कि मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो अपना सिलेबस वगैरह खुद डिसाइड कर सकेंगी। और UGC को जैसे देखो होता क्या था अभी कि सारा जो काम होता ना सिलेबस वगैरह का वो अभी UGC पर रहता था। UGC तो सिलेबस डिसाइड करती थी, UGC तो फीस डिसाइड करती थी, मतलब ऑल ओवर जो काम था वो UGC के थ्रू ही किया जाता था। तो UGC बेचारा कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती थी। वही बात है कि एक इंसान के हाथ में 100 लफड़े होते थे। और अभी राइटर का कहना है कि जब हायर एजुकेशन जो रेगुलेटरी कमीशन बन जाएगा तो इसमें क्या होगा, ऑटोनॉमी मिल जाएगी। तो जो भी जैसे सिलेबस वगैरह खुद को डिसाइड इंस्टीट्यूट को करना होगा तो कहीं ना कहीं जो HERC पे बोझ कम हो जाएगा सिलेबस वगैरह का। इसके बाद में एक बात यह की जा रही थी कि UGC ने एक थोड़ा प्रावधान ये कहता कि उसने 3 कैटेगरी बनाई थी, कैटेगरी 1, 2 और कैटेगरी 3 इस तरह की। इन कैटेगरी को इस आधार पर बनाया था ताकि ऑटोनॉमी के बेसिस पे जैसे कैटेगरी 1 के जो इंस्टीट्यूट होंगे उनको सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी, मतलब वो अपने सिलेबस वगैरह अपनी फीस वगैरह अपना जो टीचिंग स्टाफ है फॉरेन स्टाफ है उसको सबको अपने अकॉर्डिंग बना सकेंगे। ये तो थी कैटेगरी 1 में। इसके बाद में बात आती है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में ये प्रावधान था कि भाई जो कैटेगरी 1 में जितनी छूट दी गई ना उससे कैटेगरी 2 वालों को थोड़ा कम छूट दी जाएंगी। जैसे कैटेगरी 1 वाले को 100% छूट दी गई है तो कैटेगरी 2 वालों को 50-60% छूट दी जाएगी, और कैटेगरी 3 वालों को मतलब ये था कि उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी, उनके लिए UGC जो करेगी फाइनल वही उनके लिए फाइनल होगा, उनके लिए कोई ऑटोनॉमी वगैरह नहीं होगी। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी बनाई गई थी। तो अब राइटर का कहना है कि HERC जो बॉडी बनाई जा रही है इसमें एक्चुअली 2 ही कैटेगरी होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए कैटेगरी 1 और एक होनी चाहिए कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 का मतलब ही होगा फुली ऑटोनॉमी, कैटेगरी 2 का मतलब भी होगा कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी, वो अपना जो सारा सिलेबस है वो कैटेगरी 1 के इंस्टीट्यूट से ही अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब कैटेगरी 1 के जो इंस्टीट्यूट होंगे वो अपना सारा सिलेबस वो खुद डिसाइड कर सकेंगे, अपना सिलेबस हुआ इसके साथ जो करिकुलम वगैरह हुई इसके साथ जो टीचिंग स्टाफ हुआ फीस वगैरह हुआ नॉर्मली वो सब खुद डिसाइड करेंगे। और कैटेगरी 2 के जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी सिलेबस लेंगे कहाँ से, क्योंकि अभी हमने देखो डिस्कस किया था कि HERC वो तो सिलेबस डिसाइड करेगा नहीं, तो फिर कैटेगरी 2 सिलेबस लेंगे कहाँ से। तो इनको ये बोला जाएगा कि भी आप जो सिलेबस है वो कैटेगरी 1 के जो इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वहाँ से अडॉप्ट कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी जो इंस्टीट्यूट से जो भी एक्चुअली कैटेगरी 1 की लिस्ट में है तो वहाँ से इनको अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कैटेगरी 1 वाले तो बहुत अच्छा सिलेबस है वो लेके आएंगे, तो इसीलिए इस ऐसे स्टेप है उठाना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो इसका फायदा एक तो ये होगा कि HERC के ऊपर थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। इसके साथ ही एक ही बात HERC होता है उसका एक काम ये भी होता है मान्यता देना, मतलब UGC का एक काम होता था कि जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं उनको मान्यता देना, तो HERC वो बनाया जाएगा नई बॉडी उसका काम भी ओबियसली होगा कि जो भी नए इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनको मान्यता दी जाए। तब उनको भाई मान्यता देनी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा वगैरह भी चाहिएगा, क्योंकि देखो मान्यता देने के लिए आपको पता है कि पहले जाँच भी करनी होती है, एक दो बार जाके देखना भी पड़ता है कि हाँ जो भी इंस्टीट्यूट को मान्यता दी जा रही है वहाँ पे एक्चुअली उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिलेंगी नहीं मिलेगी सारा चेक भी करना होता है। तो इसलिए जो फंड वगैरह देने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे। तो राइटर का ये कहना है कि HERC है उसमें एक्चुअली 2 पार्ट बनाने चाहिए, मतलब 2 उसमें बोर्ड होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा फाइनेंशियल बोर्ड और एक होगा एक्रीडेशन बोर्ड। तो फाइनेंशियल बोर्ड होगा उसका काम ये होगा कि वो एक्चुअली जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनको फाइनेंशियल एड देगा,
क्योंकि यूजीसी का भी ये काम होता था कि वो कुछ इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देता था, तो इसीलिए यहाँ पे फाइनेंशियल बोर्ड बनाया जाएगा जो कि जिसको भी थोड़ी ऑटोनॉमी वो दी जाएगी, मतलब ऑटोनॉमी इसलिए होगी कि वो खुद डिसाइड कर सके कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा है और उसको किस तरीके की मान्यता वगैरह में किस तरीके की सॉरी जो फंड वगैरह वो देना है। क्योंकि देखो अगर एचईआरसी सब रेगुलेट करने लगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एचईआरसी पे बर्डन बढ़ जाएगा, इसलिए एचईआरसी के अंदर ही हमें फाइनेंशियल बोर्ड बना देंगे जिसको थोड़ी ऑटोनॉमी दे देंगे, वो खुद डिसाइड करेगा कि हाँ भाई कौन से इंस्टीट्यूट को कितना फंड देना है। इसके बाद में दूसरा बोर्ड होगा वो होगा एक्रीडेशन बोर्ड। एक्रीडेशन बोर्ड का काम ही होगा ऑटोनॉमी वगैरह देना, सिलेबस वगैरह डिसाइड करने के सारे काम इसके थ्रू किए जाएंगे। तो इस तरीके से दो बोर्ड हो जाने चाहिए ताकि काम और भी अच्छे ढंग से हो सके। अब बात ऐसी है कि देखो जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट को मान्यता वगैरह दी जाती है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह होती हैं। तो राइटर का ऐसा कहना है कि एचईआरसी को ये काम करना चाहिए कि एक्रीडेशन जो बोर्ड है ना, इसको अपनी जो भी गाइडलाइन वगैरह का सारा सीन है वो एकदम क्लियर और अपनी वेबसाइट पर रखना चाहिए कि भाई देखो अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को मान्यता लेनी है हमसे तो ये उसकी गाइडलाइंस है। अगर आप इन गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर चार्ट में अपनी जो अप्लीकेशन वो लेके यहाँ पे आइए और उसके बाद हम आपको वेरीफाई करेंगे और तब हम आपको मान्यता देंगे। तो आपको पता है कि जब भी किसी इंस्टीट्यूट को मान्यता वगैरह दी जाती है तो उसके लिए पहले उसको वेरीफाई जाता है। तो वेरीफाई का जो मेनली काम होता है या तो है नहीं कि भाई जो यूजीसी या जो एचसीआर से वो खुद जाता है, इसके लिए वो क्या करता है कि एक्रीडेशन एजेंसीज होती हैं जो कि मान्यता देने के लिए काम करती हैं, इनकी हेल्प लेते हैं कि भैया आप जाइए और आप देख के आइए किस तरीके का काम वगैरह हो रहा है। तो राइटर का कहना है कि कई बार ऐसा आरोप लगता है कि जो एक्रीडेशन एजेंसीज होती है ना एक्चुअली पैसा ले लेते हैं, कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं कि हाँ ठीक है आप हमें 5 लाख रुपए दे दो हम आपको मान्यता दिला देंगे, हम झूठी फॉर्मेलिटीज कर देंगे कि हाँ आपके पास सारी फैसिलिटीज वगैरह हैं। तो इसलिए राइटर का कहना है कि एचईआरसी को इस धांधलेबाजी को रोकने के लिए करना चाहिए कि जो एक्रीडेशन एजेंसीज है ना इनको थोड़ा पैसा देना चाहिए अपने आप ही, वो इंस्टीट्यूट से पैसा लेना चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूट से जो पैसा है वो एचईआरसी लेगा फिर वो एचईआरसी उस पैसे को एक्रीडेशन एजेंसी को दे देगा कि हाँ भाई ठीक है हम आप 2 लाख रुपये दीजिए हम आपको मान्यता दे रहे हैं इसके लिए, इसके बाद में उन 2 लाख रुपये को एक्रीडेशन एजेंसी को दे दिए जाएंगे और वो उनको मान्यता देगा ताकि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी वो बनी रहेगी। तो एक ये चीज़ यहाँ पे अपने आप पॉइंट आता है। इसके बाद में एक बात ये आती है कि देखो थोड़ी बहुत जो ट्यूशन फीस है ना और जो टीचर्स है इनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत गाइडलाइंस बना सकते हैं कि वैसे टीचर्स की ये क्वालिटी बेसिक जो गाइडलाइंस है वो बना सकते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थोड़ी बहुत जो मूलभूत गाइडलाइंस है वो तो एक्चुअली जो एचईआरसी वो बना सकते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है कि ग्रेवांशियल सिस्टम भी होगा, मतलब जहाँ पे कोई भी समस्या वगैरह कोई भी इश्यूज होते हैं उनसे निपटाना करने के लिए एक जो हेल्पलाइन है वो होगी, ग्रेवांशियल सिस्टम होना चाहिए उस पर प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए। और जो छोटी मोटी शिकायतें होती हैं वो तो अपने लेवल पर मतलब जो छोटे लेवल जैसे छोटे लेवल का मतलब ये कि कॉलेज वगैरह के लेवल पर उनको खत्म कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बात को आप बड़े बड़े लेवल पर लेके जा रहे हो। इसके बाद में बात ये की जा रही है लास्ट में कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है ना उनको भी अलाउ करना चाहिए इंडिया में, क्योंकि देखो आपको पता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी खुश मतलब वेट कर रहे हैं इंडिया में क्योंकि इंडिया का मार्केट उनके लिए भी काफ़ी सूटेबल है, इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए वो जानते हैं कि अगर इंडिया में उनको आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इंडिया में आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंस्टीट्यूट को उनको अलाउ करने के लिए भी एचईआरसी को कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी करनी चाहिए। इसके साथ ही अहम बात ये आती है लास्ट में कि भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है हमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी अहम हो जाता है और यंग जो माइंड है उसको हमें साथ लेकर चलना है तब भी हमारे देश का फायदा हो सकता है और जो यूजीसी के दो हटा के जो एचईआरसी बनाने की बात है उसका प्रॉपर सोल्यूशन मतलब प्रॉपर फायदा होगा। तो ये कुछ इस आर्टिकल के पॉइंट्स थे, काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आज के आर्टिकल की ये थे। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।